स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ प्राची आपके साथ। फेमस होने की चाहत हर किसी व्यक्ति को होती है और आज हमारे इस खास एपिसोड में पंडित जी आपको बताएंगे कुछ ऐसे असरदार वास्तु टिप्स जिन्हें करने से आप हो सकते हैं फेमस। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल, तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। फेमस होने की है चाहत, कार्य क्षमता में करनी है वृद्धि। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से असरदार वास्तु टिप्स। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है रोहिणी, योग है विष्कुंभ और करण है भव। और आज से ही होलिकाष्टक आरंभ हो रहा है जो होलिका के दिन तक, होलिका दहन तक प्रभावी रहेगा। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं संपादित किए जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिनचर्या में व्यापार आपका बहुत उत्तम रहेगा। संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए टाल दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। किसी नए व्यापारिक अनुबंध के लिए, नई व्यापारिक योजना के लिए यह समय उतना ज्यादा लाभकारी नहीं हो सकता। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जल्दीबाजी में काम करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने कार्यक्षेत्र में आपको आज बहुत हर प्रकार का लाभ मिलने वाला, जिसे संपूर्ण लाभ कह सकते हैं वो आपको प्राप्त होगा। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां आज की दिनचर्या में आपको घेरे रख सकती हैं, परंतु सकारात्मक सोच और सकारात्मक व्यवहार के साथ आप इनसे बहुत आसानी से उबर जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदा ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई नई डील, कोई नया बड़ा बदलाव आपके कार्यक्षेत्र में संभावित दिखाई देता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इस बदलाव को आपको आत्मसात करना है, स्वीकार करना है। अपने साथी और उनकी आवश्यकताओं को, उनकी भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करते हुए उन भावनाओं के अनुरूप यदि आप कार्य करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचना चाहिए। पार्टनरशिप में कोई काम करने के लिए ये समय भी बहुत अच्छा नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ नया सामाजिक परिचय आपका हो सकता है। कुछ आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स और बढ़ेंगे और भविष्य में ये परिचय आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को आज राहत मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही थी, विशेषकर उच्च रक्तचाप से संबंधित, उसमें आपको राहत मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे अभी बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में नौकरी में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अभी तक आपके कार्यक्षेत्र में और पढ़ाई में जो भी बाधाएं आ रही थी वो अब दूर होना आरंभ हो जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। दिन के आरंभ में आपको बिजनेस में कुछ बाधाएं आती दिखाई देंगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आप इन बाधाओं का सामना करते जाएंगे। अपनी सोच विचार से, अपनी सूझबूझ से इनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदने के काफ़ी प्रयत्न आज आपको करने पड़ सकते हैं। अगर आप कोई संपत्ति क्रय करना चाहते हैं तो आपको उसमें थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आज बचना चाहिए। और अब वक्त कॉलर लेने का हो गया है, लेकिन कॉलर लेने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम कम रखें ताकि स्पष्ट तरीके से आपके सवाल हम सुन सके। भरत, हमारे अमन भरतपुर से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमन, बताएं कि आपका सवाल है और आपके डिटेल्स भी बताएं। सर नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरी बर्थ ऑफ डेट 28 नवंबर 2003 है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय और स्थान भी बताइए। मैं भरतपुर में हुआ था जी। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय बताऊं? कितने बज के, कितने मिनट पर? 3:35। मैं सर 3:35 पर हुआ था जी। दिन का समय था या रात का समय था? दिन का समय था सर जी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसके साथ साथ आपकी कुंडली में बुध भी जो है वो प्रभावित दिखाई देता है। बहुत अच्छी स्थिति में बुध भी नहीं है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मन में भटकाव की स्थिति रहेगी। दोस्तों मित्रों में खेलने कूदने में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। बृहस्पति का जो संयोग है वो आपकी कुंडली में पंचम भाव में बनता है, तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें, कुछ उपाय करें, तो निश्चित ही ये जो मन में भटकाव की स्थिति है इससे आप उबर सकते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आप कर नहीं सकते, तो आपके अभिभावकों को आवश्यकता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल और बुध के मंत्रों का जाप करा लें। और आपको आवश्यकता है कि भगवान गणेश और भगवान विष्णु की पूजा आप जब भी पढ़ने बैठते हैं उनको आप जरूर एक बार प्रणाम कर लें, और रोज सुबह स्नान के बाद अपने पूजा स्थान में 2 अगरबत्तियां भगवान के समक्ष लगा दिया करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। सत्यनारायण, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। जी सत्यनारायण, बताएं आपका सवाल और अपनी डिटेल्स। जी मेरी जन्म तिथि है 05/07/1984 जी। पंडित जी, क्या है कि एक्चुअली मैं काम में कोई मन नहीं लगता, अभी फैक्ट्री में भी काम करते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं, कभी कभार ड्राइविंग भी। जी जी बिल्कुल, आप अपना जन्म समय और स्थान भी बताइए। जन्म स्थान सुबह 4 बजे हुआ था, संगानेर हुआ था, भिलवाड़ा के। जी देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि कोई काम करते हैं मन नहीं लगता, आप गाड़ी चलाते हैं, राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा है, तो इस समय में आपको राहु का निदान करना बहुत आवश्यक है। राहु जो है आपके लिए बहुत अनिष्टकारी बन रहा है, लग्न भाव में बैठा हुआ है, और अगर इसका निदान समय रहते नहीं किया गया तो आपको संघर्ष के साथ साथ जीवन में कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना आने वाले समय में सामना करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। और जहाँ तक रही बात शुक्र की, अभी जो कुछ भी आपकी रोजी रोटी चल रही है यूँ समझ दीजिए कि शुक्र ग्रह की वजह से ही चल रही है, तो सबसे पहला काम करना है कि आप राहु के मंत्रों का जाप कराएं और अपनी नियमित दिनचर्या में, रोज की अपनी डेली रूटीन में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना आप करते रहिए। लक्ष्मी चालीसा का आप पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। ओम प्रकाश, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश, बताएं अपना सवाल और अपने डिटेल्स। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हमें डेट ऑफ बर्थ है 17/9/65 जी, और समय सुबह 3:50 जी। हेलो जी, बताइए प्रश्न करें, बताए। हाँ गुरु जी, मेरा सूर्य गणेश होकर 3 से भाव पराक्रम भाव में है और उस पर राहु की दृष्टि आ रही है, सूर्य 0° का है, ऐसी स्थिति में सूर्य का क्या उपाय करना चाहिए और ग्रहण दोष कैसे हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपके प्रश्न लग्न के अनुसार चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा है, और इस समय के प्रश्न लग्न के अनुसार से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ।
प्रश्न लग्न के अनुसार लग्न भाव में केतु मंगल शुक्र का संयोग अपने आप में बहुत खराब संयोग होता है, इसको कभी बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें। हनुमान जी और महादेव, यदि आप इन दो देवताओं की पूजा आराधना नियम से करते हैं तो कुंडली के जितने भी अनिष्ट ग्रह हैं या जो भी ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव हैं, इनके जो दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं आपके जीवन से। तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि महादेव शिव और हनुमान जी की पूजा आराधना करें। इसके लिए शिव चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना, सोमवार के दिन जाकर के भगवान शिव के स्थान पर जाकर के शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी का या बेसन के मोदक का आपको भोग लगा करके वितरण करना चाहिए। इतना अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ममता अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी ममता, बताएं अपना सवाल और अपने डिटेल्स। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए पंडित जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1985 जी। समय है 6:52 सुबह का जी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में नहीं है, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनता है। आप प्रयास जरूर कर सकते हैं लेकिन वो प्रयास भी व्यर्थ ही रहेगा, लेकिन परिश्रम व्यक्ति को करना चाहिए। आपको जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, आपको मन में ये मलाल ना रह जाए कि आपने कभी प्रयास नहीं किया। तो अपना धर्म, मानव धर्म यही कहता है कि आप प्रयास अवश्य करें। राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, इस समय में आप अगर प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई करते हैं, खासतौर पर वित्तीय क्षेत्र में ट्राई करते हैं, किसी फिनेंशियल सेक्टर में, फिनेंशियल कंपनी में प्रयास करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि शुक्र से संबंधित कार्य क्षेत्र है तो उसका जो क्षेत्र आता है वो वित्तीय क्षेत्र भी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी होता है, खाने पीने, घूमने फिरने या कपड़े इत्यादि से कोई भी चीज़ें जो सौंदर्य में वृद्धि करती हों, कॉस्मेटिक इत्यादि से संबंधित कोई फर्म हो जहाँ आपको काम मिल जाए, तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर्स में आपको ट्राई करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा सफलकारी होगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महोपाय, जिसमें जानेंगे हनुमान मंदिर जाते समय किन बातों का रखें ध्यान। तो बने रहिए हमारे साथ। के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बाकी बची राशियों के राशिफल का और जानते हैं तुला राशि वाले आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आज की दिनचर्या में मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके आप करेंगे तो आपको कार्य की सफलता में काफी सहायता मिल सकती है, बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन ये समय थोड़ा सा असमंजस वाला भी है, समय थोड़ा सा असमंजस में भी बीतेगा, आप अपने निर्णय लेने में अक्षम होंगे, डायलेमा की स्थिति होगी। काफी समय से चला रहा पारिवारिक संपत्ति का विवाद जो है वह समाप्त होने की ओर अब बढ़ता दिखाई देता है, ऐसे आसार बनते हैं कि ये विवाद जो विवाद है ये आपके पक्ष में सुलझ जाए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। घर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ विदा आप ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का कोई बड़ा फैसला आज आपके पक्ष में रहने वाला है, आपको परिवार और रिश्तेदारों से पूरा पूरा सहयोग और समर्थन मिलने के संकेत बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में ना करें। अब जानते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए नया व्यापार आरंभ करने के लिए यह समय आपके पक्ष में अति उत्तम बनता दिखाई देता है। अपना बहुमूल्य समय बचाएं, काम करते हुए परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए ज्यादा आवश्यक होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपका विरोधी पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता है तो थोड़ा सा सावधान रहिए। वैवाहिक संबंधों में यदि कोई परेशानी हो तो घर के बड़े लोगों
की मदद लेना, उनसे हस्तक्षेप करा करके इस विवाद को समाप्त कराना ज्यादा बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से प्रयोग से आपको बचना चाहिए। अब जानते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य के प्रति आपके अंदर अरुचि होगी, काम में इंटरेस्ट नहीं बनेगा। छात्रों को अधिक मन लगा करके मेहनत करने की आवश्यकता है, मन को भटकने से बचाने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में शुभ समाचार प्राप्त होंगे, धन लाभ होगा। एक ही दिशा में की गई मेहनत से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जानते हैं कि क्या है आज का महोपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि लोकप्रिय बनने के आसान उपाय क्या हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फेमस होना। तो आज हम जानते हैं कि फेमस होने के लिए आप ऐसे कौन कौन से छोटे और सरल वास्तु उपाय अपना सकते हैं जिससे आपको समाज में कीर्ति, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त हो, आपको मान सम्मान प्राप्त हो। यदि आप अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर पर दौड़ते हुए घोड़ों का दृश्य लगाते हैं, ऐसे चित्र, ऐसे फोटोज लगाते हैं, ऐसे आप वॉलपेपर्स का प्रयोग करते हैं, तो आपके काम करने की जो क्षमता है उस पर भी और अधिक प्रभाव पड़ता है, उस पर शुभ प्रभाव पड़ता है। ये आपको शुभ मायनों में प्रभावित करता है, क्योंकि घोड़ा हमेशा से शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना जाता रहा है। इसे देख करके कार्य करने में मन लगता है और आपको शुभ ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप थोड़ा सा उदास या थकावट महसूस करते हैं तो वो थकान भी आपके अंदर से चली जाती है, मन में एक नई ऊर्जा, शुभ ऊर्जा का संचार होता है जिससे आप और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और यदि आपको अक्सर नकारात्मक विचारों से जूझना पड़ता है तो ये फोटो आपके विचारों को भी शुभ मायनों में प्रभावित करती है, आपके विचारों को भी नियंत्रित करती है। आपके दिमाग में कितनी भी नेगेटिविटी चल रही हो, इस सीन को देखते ही, इस वॉलपेपर को देखते ही आप तुरंत पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वास्तुशास्त्र के अनुसार घोड़ा शक्ति का पर्याय माना गया है। ये एक ऐसा जीव है जो जीवन में कभी भी बैठता नहीं है, घोड़ा कभी भी थकता नहीं है। यही वजह है कि जहां घोड़ा या घोड़े से संबंधित कोई फोटो या दृश्य होता है, कोई चित्र रहता है, वहां का वातावरण पूरी तरीके से शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। लेकिन घोड़े का प्रयोग, घोड़े के दृश्य का प्रयोग कभी भी घर में नहीं करना चाहिए। कई सारी ऐसी सीनरीज मैं जब लोगों के घर जाता हूं वास्तु निरीक्षण के लिए, वास्तु देखने के लिए, तो देखता हूं कि घोड़ों के कई सारे स्टैलियंस के कई सारे उनके यहाँ पोर्ट्रेट्स होते हैं। घर में नहीं होना चाहिए, घर में इसलिए नहीं होना चाहिए, कार्यक्षेत्र में इसलिए होना चाहिए कि आपको शुभ ऊर्जा चाहिए। कार्यक्षेत्र में आपको आलस्य नहीं चाहिए, आप हमेशा एक्टिव रहें, काम करते रहें। घर में इसलिए नहीं होना चाहिए कि फिर आप घर में परिवार के साथ समय नहीं दे पाएंगे। घर में भी लगातार जो है भागदौड़ और कामकाज का दबाव प्रभाव आपके दिमाग पर बना रहेगा, तो जिसकी जहां आवश्यकता है उसको वहां लगाइए। इसको आप घर में ना लगा करके कार्यक्षेत्र में लगाएं तो आपको लाभ मिलेगा। कुछ और आपको उपाय बताता हूं, इनको भी आप अपनाएं, अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। अपने घर के दक्षिणी कोने में पशु पक्षियों को आप जगह दे सकते हैं, यह शुभ संकेत होते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, कीर्ति प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और आपकी जो भी डिग्रियां हैं उनको अपने घर के दक्षिणी हिस्से में रखना बहुत बेहतरीन फलदायी सिद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। अपने गार्डन के दक्षिणी हिस्से में लाल फूलों वाला पौधा आप लगा सकते हैं। अगर आप घर में बगीचा रखते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र में लाल फूलों वाला आप कोई पौधा लगाएं। यदि गार्डन की सुविधा ना हो तो इसे घर के अंदर किसी गमले में भी दक्षिण दिशा में रखा जा सकता है। घर में पेंटिंग्स दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी दिशा में 3 या 9 के समूह में रखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। यदि इन पेंटिंग्स के लिए लाल रंग का फ्रेम का प्रयोग किया जाए तो यह आपकी ऊर्जा को और भी बढ़ा सकता है। किस प्रकार से आपको रोशनी का अपने घर में ध्यान रखना है, प्रकाश की व्यवस्था कैसे करनी है, ये भी जान लीजिए। रोशनी का ध्यान आप अवश्य रखें, जरूरत हो तो दक्षिण के क्षेत्र में यानी इस हिस्से में लाल मोमबत्तियों का प्रयोग आप संध्या काल में कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक रेड बल्ब अगर शाम को वहां जला दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है, यह काफी शक्तिशाली ऊर्जा का संचार करता है आपके घर में।
और अपने व्यापार को, अपने नाम, अपने कार्यक्षेत्र को और ऊंचा उठाने के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए, अपने समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने और उसको बढ़ाते रहने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आप अपनी फर्म का नाम, अपनी कंपनी का नाम अपने ऑफिस में दक्षिण की दीवार पर या तो लाल कलर से लिखवाएं या रेड कलर के फॉन्ट से अगर आप उसको लिखवाते हैं, अपनी फर्म का नाम दक्षिण की दिशा में लिखवाते हैं और अपना नाम उसके साथ साथ लिखवाते हैं, तो निश्चित ही कहा जा सकता है ये वास्तु का बहुत ही बहुमूल्य सूत्र है समाज में पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का, फेमस होने का, मान सम्मान, नाम पाने का और इसके साथ साथ अपने व्यापार को अपरंपार ऊंचाइयों को दिलाने का। तो आज हमने जाना कि किन उपायों को करने से हम फेमस हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जय धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार।